ये गंदा हो रहा है। तो गाइस प्लान हो गया थोड़ा सा चेंज, जा रहे थे अभी वहां पर मैग्नेटिक के पास, लेकिन अभी हमने रास्ते में देखा कि यहां पे ना आर्मी का जो म्यूजियम है वो बहुत सुंदर है, तो अभी रास्ते में ही पड़ा तो थोड़ा सा हम आगे क्रॉस तो कर गए थे, लेकिन हमने सोचा पहले वो ही देख लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक हिल ना कल हमारे जो हमारा घर का रास्ता होगा उधर से निकलेंगे श्रीनगर की साइड से, तो वो रास्ते में ही पड़ने वाला है। हमने डिसाइड किया कि कल मॉर्निंग में उसको देखते हैं, आज हम यहीं का जो लोकल है पहले आर्मी बेस में जाते हैं उसको देखते हैं अच्छे से, तो बस अभी वहीं जा रहे हैं, वहीं की वीडियो आपको अभी मिलेगी। मैग्नेटिक हिल आपको कल कंटिन्यू मिलेगा। अभी तो बस हम अंदर गए नहीं है, बाहर से देखो कितने अच्छे अच्छे महिंद्रा थार विद क्या बोलते हैं उसको टैंक ऑन रूफ, क्या बात है, थार तो कमाल ही है, खैर इसमें तो कोई शक नहीं है। ये सारे आर्मी के एयरक्राफ्ट देखो घूमते हैं क्या, हाँ भाई घूमते भी हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट रखे हुए दो मतलब चार हेलीकॉप्टर, जिसमें मेरे ख्याल से चिनूक है, ये वाला ना चिनूक वाला है ये, अच्छा ये सब चीजें ऑपरेशन वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ है। लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन, बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स लिखे हुए हैं, हम भी लिख कर जाएंगे। यहाँ पे मेजर सेवा के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, जो भी आप जानना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। कुछ यहाँ पे है मेंटेनेंस एट आई स्पीक्स, और यहाँ पे भी बना हुआ है डिटेशन ऑफ ए सियाचिन हेल्पलाइन, और यहाँ पे एक मतलब लिखा भी है, किस चीज़ का लिखा है, राउटर लिखा, टेल राउटर लिखा हुआ है, ये चीता का, चीता हेलीकॉप्टर का, वेरी नाइस। तो भाई एक ये है, ये पूरा नक्शा भाई सीरियसली यहाँ सब कुछ दिखाया हुआ है, कारगिल वोरा, श्रीनगर वोरा, कहाँ गया है श्रीनगर, आपने कारगिल वोरा के बारे में सुना है? यस सर, किसने सुना? सबने, भारत माता की जय। ठीक है शुरू करते हैं, ठीक है सर। कारगिल और सियाचिन गैलरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोने से लेकर लास्ट कोने तक जितने भी कारगिल वॉर में ऑपरेशन हुए हैं उसकी तमाम जानकारी आपको पीछे बोर्डों से दी गई है, आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। मेरे सामने आपके पीछे सियाचिन गैलरी, सियाचिन में एक जवान कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, उनके माउंटेन इक्विपमेंट के बारे में दिखाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। और शोकेस में रखे कुछ एक वेपन है, वो वेपन है पाकिस्तान के जो 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए गए वेपन, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मचाइएगा फिर ये ट्रेन मॉडल है, ट्रेन मॉडल इंडियन आर्मी तब बनाती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या ऑपरेशन के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना हो, जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी ट्रेन मॉडल के अंदर रेड लाइन है, ये रोड है, कोई कच्ची रोड कोई पक्के रोड जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है, और जो ब्लू लाइन दिए गए हैं ये रिवर है, कोई छोटे रिवर और कोई बड़े रिवर, दो बड़े रिवर आते हैं चाइना से, एक है इंदस और सिंगो जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है, और लास्ट कोने में शिकारा जो कि पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और कुछ एक नाम यहाँ पे रेड कलर से मेंशन किए गए, रेड कलर से जैसे गुलतारी, गौन, मटियाल, बिजोट, मरोड, ये है पीओके के कुछ एक गाँव जो अभी भी वहाँ मौजूद है, और जो एरोहेड बीचों बीच जो मेरी तरफ इंडिकेट कर रही है वो है एलओसी, एलओसी रेंजर बुला जाता है पाकिस्तान, क्या बुला जाता है रेंजर, इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे करके हमारे कुछ एक पोस्ट उन्होंने ऑक्यूपाई किए, वो कौन से पोस्ट है आप देख सकते हैं, ग्रास सेक्टर में दोनों लिंग टॉप 0.5.40 टाइगर हिल 4875 ग्रास सेक्टर में, फिर कारगिल में उन्होंने 0.5308 कास्कर और मजाक को और बटाली के चार सेक्टर जैसे जुबराइट, ग्याल और मुंटा डालो और खालूबर, ये पूरा का पूरा उन्होंने 134 किलोमीटर धोखे से कब्जा किया हुआ था, क्योंकि इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो चुके थे, पाकिस्तान ने जितना ऑक्यूपाई करना था वो कर चुके थे, अब था इंडियन आर्मी की बारी उसको रिकैप्चर करने का, तो शुरुआत की गई बटाली से 2 मई को की गई, और पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया मुंटा डालो के पास 15 मई को, तो 2 मई से पहले कैसे पता लगाया
हमारे इंडियन आर्मी को कि हमारे पोस्ट ऑक्युपाइड हो चुके। ध्यान से सुनिएगा, बटाली क्षेत्र में एक चरवाहा भेड़ बकरी चराने वाला सिपाट जिसका नाम था तासी नामगेल। क्या था? तासी। जब वो अपने भेड़ बकरी के साथ मुंटो डालो पे घूम रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे कुछ एक हरकत को देखा कि वहाँ 7 से 8 लोग लंबे चौड़े पठानी सूट पहने हुए वहाँ पे वो पत्थर से बंकर बना रहे थे। जब उन्होंने कंफर्म किया, तसल्ली हुआ कि जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो जो इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन होके बैठे थे उन्होंने आके उस हरकत के बारे में इंफॉर्मेशन दी इंडियन आर्मी को। जैसे इंफॉर्मेशन मिली इंडियन आर्मी को वो तुरंत एक्टिवेट हो गए, हरकत पे आ गए और उस क्षेत्र को पेट्रोलिंग करने के लिए एक टीम बनाई गई जिसमें एक कॉप्टर 10 जवान टोटल 11 जन की, जिस टीम के कमांडर थे आपने नाम भी सुना होगा कैप्टन सौरभ कालिया साहब। नाम सुना है आपने? क्या सुना आपने? कैप्टन सौरभ कालिया। जब उनकी टीम सर्च के लिए गए पेट्रोलिंग के लिए ऊपर गए तो थे 11 के 11 वापिस बेस पे नहीं लौटे। जब वो वापिस नहीं लौटे तो वहाँ पे हुआ एक ऑपरेशन जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। अब सफेद सागर इसलिए रखा गया नाम क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया और जितने भी बटालिक सेक्टर में हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे पाकिस्तान ने उसको रिकैप्चर कर लिया गया 4 के 4। रिकैप्चर तो हुआ लेकिन खालुआ टॉप 0.4812 पर फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे खालुआ टॉप को रिकैप्चर करते हुए वहां पे वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये सब चीजें भी हैं जो सियाचिन में हेल्प करती हैं, आप देख सकते हो सब चीजें हैं। बेसिकली ये है, इसकी चैन खोलते हैं, इसके अंदर सो जाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो चलती रहती है। कितनी मेहनत करते हैं लोग। ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये वाला क्लिप फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। वाओ सीरियसली। और साथ में ये ड्रेस है जो सियाचिन ग्लेशियर पे हमारे आर्मी के जवान पहनते हैं और साथ में ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो बेसिकली वो यूज़ करते हैं उस दौरान सियाचिन में। आपको पता है -25 के आसपास जो है वो रहता है, फिलहाल आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर है हमारे पास में स्कूटर सियाचिन में। आपको पता है बर्फ ही बर्फ होती है तो उस वक्त ये स्कूटर जो है बहुत यूज़फुल होता है और ये स्टिक्स लग जाती हैं स्कूटर्स के अंदर भी और ये जो आर्मी के जवान हैं जूते पहनाकर इसको चलाते भी हैं। फिलहाल मुझे लगता है इनके अंदर ऑलरेडी, हाँ ये स्टिक्स तो इसमें ऑलरेडी लगी हुई हैं तो ये बेसिकली जवानों के लिए है और ये सारी स्टिक्स जो वो पहन हाथ लगाकर इस तरीके से यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं। ये सब है, इसके आगे ये हमारे जवानों की राइफल्स हैं आप देख सकते हैं, ये सब यूज़ करते हैं। ये हैं, ये 7.62 mm की NATO 6 कैप्चर्ड है और ये कुछ मशीन गन्स हैं, राइफल्स, फोन कुछ ऐसा यूज़ होता है और इस तरह से बेसिकली आपकी दूसरी राइफल्स हैं और यहाँ आ गया आपका टेंट। तो इस तरह का टेंट जो है वो लोग यूज़ करते हैं तो बनाते भी हैं बहुत आसानी से, उसको बना भी लेते हैं और अंदर से बेसिकली ऐसा दिखता है, दो तीन लोग आराम से इसके अंदर लेट सकते हैं। उस अलग नॉब्स हैं, किस किस तरह की नॉब्स जो है वो बनती है वहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है आनी। हाँ, और साथ में ये जो ड्रेस है एवीएस सियाचिन शोल्डर जो सोल्जर्स होते हैं ये सब चीज़ें बेसिकली उनको रिक्वायर्ड होती हैं। ये हमारे देश के जवान और ये सब लोग हैं कुछ शेप तो पावर ऑफ लो, ये सारे हमारे लोग हैं जो हमारे जनरल्स रहे हैं बेसिकली। ये वो लोग हैं पाकिस्तानी गन मशीन, ये कैप्चर करी थी 1999 की वॉर में, लिखा हुआ है यहाँ पे कारगिल वॉर में जो है पाकिस्तानी कब्जे से ली थी। और ये भी है पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर है, ये भी उन कारगिल वॉर से ही लिया था, मतलब वहाँ से जो भी सामान था उठा लाए थे। ये भी पाकिस्तानी है, ये 1965 में जो वॉर हुई थी उसमें से हमने हासिल किया था। साथ में ये 1962 में जो चाइनीज़ के साथ में वॉर हुई थी तब का सामान है सारा। इससे अलग एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे है 1947 में जो ऑपरेशन हुआ था ये रहा पाकिस्तानी कैप्चर ड्यूरिंग 1947 ऑपरेशन। ये रहा या है हम आर्मी के जो अंदर की तरफ है ना इनका स्पेस बना हुआ है उसमें और उस तरफ जो है वो शायद अपना परेड करने की तैयारी में है। Thank you.
एडवेंचर कर दिया। सोने कह रही मैं सारे झूलों पे छोड़ूंगी, जो मैंने कहा झूले नहीं है प्रैक्टिस वाले हैं, कहते नहीं सब पे छोड़ूंगी जो कुछ भी आएंगे। मैंने चढ़ लिया भाई, शाबाश शाबाश, चढ़ जा चढ़ जा, और इधर से गिर भी जाइयो। जैसे वो लेडी गिरी थी ना अभी उस तरफ, तुम भी ऐसे ही संभल के चढ़ो। सारी एक्टिविटीज है, मतलब जो चाहो वो कर सकते हो। उधर बाइक भी है, चलो यार मैं भी बाइक से फोटो खिंचाता हूँ। अच्छा है वैसे यहाँ ना सारा, ये उस तरफ सारा ट्रेनिंग सेशन है बच्चों का जो शाबाश चला। कैसा रहा ड्राइविंग एक्सपीरियंस? कैसा रहा ड्राइविंग एक्सपीरियंस? 100-150 की स्पीड है। दिखा ट्रक पैड तो जा अंदर, पर ये गंदा हो रहा है। हाँ पर ये खड़ी हो जाए ना, पर अच्छा है। चलो सोनी की एक खड़ी हो जाए। अच्छे से उन्होंने समझाया।